नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और सीधे आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। योजना के साथ जुड़ रहे हैं, इस अवसर पर लखनऊ प्रशासन को और उम्मीद संस्था को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भिक्षाटन प्राचीन काल में भारतीय परंपरा का हिस्सा था, लेकिन यह एक संन्यस्त व्यक्ति के लिए दिन में एक बार किसी एक परिवार में जाकर के भिक्षा लेने का प्रावधान था। इसके पीछे का हेतु अपने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग करके समाज दर्शन को, समाज को जानने और समझने का एक अवसर प्रदान करना था। लेकिन जब यह वृत्ति के साथ जुड़ गई, जब यह व्यवसाय के साथ जुड़ जाता है, तो उसका एक खतरनाक रूप भी हम सबके सामने देखने को मिला। बहुत सारी जगह में वह बच्चों को, जिनके पास स्कूल जाने का एक अवसर होता है, जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षा वृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं, वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षा वृत्ति करवाते हैं, और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पर होती रही है। और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों को पुनर्वास भी किया जा सके, इस दृष्टि से स्माइल परियोजना देश के अंदर प्रारंभ हुई। मुझे प्रसन्नता है, एक और 102 बच्चों को यहां पर पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है, और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य यह प्रशासन का होना चाहिए, और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने हैं कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना, किसी कार्य के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। ये जितने बच्चे यहां पर आए हैं, इन बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, स्वेटर, सूट, फ्रॉक से सब बेसिक शिक्षा परिषद उपलब्ध करा रहा है। ये योजना हमारी 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू है। 2017 से हम लोग प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। अनुमान करिए, 1,91,00,000 बच्चे इस योजना के साथ जुड़े हैं, और जितने भी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको इस सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कोरोना से सेकेंड वेव के दौरान जन हानि देखने को मिली, उस दौरान व्यापक पैमाने पे चीजें मीडिया के माध्यम से देखने को मिली कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो लीगल गार्जियन था, उनकी मृत्यु होने के नाते, कोरोना की चपेट में आने के नाते वे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इसका सर्वे कराया था, और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि कोरोना के कारण जो मौतें हुई, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश भर में अगर हमने देखा तो 4,000 ऐसी संख्या थी। उनको हमने मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के अंतर्गत जोड़ा है, लेकिन अन्य बीमारियों से भी, उससे पहले या बाद में भी, कोरोना से नहीं लेकिन अन्य बीमारियों से जो मौतें हुई थी
वे बच्चे बच जा रहे थे तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में, जिसमें 2500 रुपए उन बच्चों को हम लोग 18 वर्ष तक उनके भरण पोषण के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर महंगाई बढ़ने के साथ वह राशि भी बढ़ती जाएगी, इस विश्वास के साथ यह प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कराई। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज प्रदेश भर में चल रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की तर्ज पर आज इन भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश सरकार की अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और खासतौर पर इस क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया गया है। लगता है वहां पे इन बच्चों को अच्छे ढंग से देखभाल की जा रही है, इसलिए उन बच्चों के मन में पढ़ने का एक जज्बा भी है। आंगनवाड़ी भी वहां स्थापित हो, आंगनवाड़ी के माध्यम से भी हम 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आगे बढ़ने और उनको कुपोषित जो बच्चे हैं उनको शासन की योजना से जोड़ करके उन्हें उपयुक्त मात्रा में कुपोषित माताओं को बच्चों को पोषाहार उपलब्ध करवा करके उनके जीवन को अभी से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं, 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड श्रमिकों और उन बच्चों के लिए हैं जो अपने लीगल अभिभावक को खो चुके हैं। पहली से लेकर 12वीं तक उन बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर हम उन विद्यालयों को चला रहे हैं, आवासीय विद्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को दुखद बताते हुए उन्हें सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने चंद्रशेखर को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि वे निर्भीक होकर अपना कार्य जारी रखें। दुखद है घटना, और सरकार संकल्पित है और पूरी जांच एजेंसियां सक्रियता के साथ इस पर काम कर रही हैं। जो लोग दोषी हैं पकड़े गए हैं, जेल चले गए, और सरकार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसे पूरा करेगी। और माननीय चंद्रशेखर जी एक बड़े नेता हैं, उनका बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है, हम सब लोग उनको सरकार पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उनका जो सामाजिक दायरा उसमें व्यापक रूप से वो काम करें, हमारी शुभकामनाएँ हैं, और निश्चित रूप से सरकार पूरी सुरक्षा देगी। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की, और बड़ी जानकारी आ रही है जौनपुर से। जौनपुर में 5 लोगों की मौत का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जौनपुर में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, 4 लोगों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली है। बड़ा सनसनीखेज मामला, पत्नी 3 बच्चों की हत्या कर आत्महत्या की है शख्स ने। एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जयरामपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जौनपुर में 5 लोगों की मौत का मामला, ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 लोगों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली, पत्नी 3 बच्चों की हत्या कर शख्स ने आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर ग्रेटर नोएडा से पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि सचिन और सीमा दरअसल पबजी गेम के जरिए वर्ष 2020 में दोस्त बने। दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों पहली बार नेपाल में मिले थे, दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। देखिए रिपोर्ट।
ग्रेटर नोएडा से पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ चार बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि सचिन और सीमा पबजी गेम के जरिए वर्ष 2020 में दोस्त बने। दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। दोनों पहली बार नेपाल में मिले थे, दोनों ने साथ रहने का निर्णय लिया। रघुपुरा पुलिस के पास एक सूचना थी कि यहाँ पे एक महिला है जो कि पाकिस्तान मूल की है, उसके साथ चार बच्चे हैं वो यहाँ पे, और एक व्यक्ति है जिसने उन्हें संरक्षण दिया है, वो लोग यहाँ पे है। जब पुलिस ने उन्हें ट्रेस आउट करने का प्रयास किया तो उन्होंने रघुपुरा से बाहर मूव किया, जिन्हें फाइनली बल्लभगढ़ हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी, सचिन के 2019/20 में, वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में, और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में, और मिड वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अम्बेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे, और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। यहाँ रहने के लगभग एक दो वीक बाद जो है उसके फादर को भी इसके बारे में पता चल गया था, और उनके द्वारा पुलिस को कोई इसमें सूचना नहीं दी गई थी। महिला सोशल मीडिया यूट्यूब पर सर्च करके अपने चार बच्चों के साथ कराची से नोएडा पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसने बताया कि पबजी के थ्रू यह संपर्क में आई थी, मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी, और वहाँ पे एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया, और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इनके लिए सब कुछ छोड़ा है, मुझे वापस नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस नहीं। ये नेपाल आई थी, नेपाल आने के बाद हम नेपाल में मिले थे 10 मार्च को। मिलने के बाद ये हम कुछ दिन वहाँ पर रहे, वो अपने यहाँ पर चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। अब दोबारा आई थी वो यहाँ पर, हम इधर से इधर घूम रहे थे, घूमने के बाद पुलिस ने हम पकड़ लिए, पुलिस ने पकड़ने के बाद अब यहाँ पर हैं हम। तो हम बस एक वो मांगना चाहते हैं कि हमारी बस सरकार शादी करा दे बस, अब जो सरकार आज्ञा देगी वही तो होगा। अच्छा, प्यार अभी भी करता रहोगे? हाँ, प्यार अब भी करता हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है, ऐसे में अब पुलिस प्रशासन द्वारा खास तैयारियां की गई हैं। इस पर हाल ही में नोएडा अपर पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी का रिएक्शन भी सामने आया है। ये सभी रूटों पे सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है, और किस रूट्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इनको आइडेंटिफाई किया गया है। सभी रूट्स पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया है। जो ऐसे पॉइंट्स जो सेंसिटिव है एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव एरियाज है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज है, यहाँ सभी स्थानों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी डिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है, जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, और हम लोग ICCC के माध्यम से भी सभी कावड़ के रूट्स को वॉच करेंगे। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरेज भी लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों पे भी व्यवस्था की गई है, लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। मंदिरों पे भी बैरिकेडिंग, और जहाँ पे पानी के ऐसे स्थान है जहाँ पे कावड़ी स्थान स्नान करने के लिए जाते हैं, ऐसे जगहों पे भी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। गोताखोरों की व्यवस्था की जाएगी, और अन्य भी व्यवस्थाएं वहाँ पे इंश्योर की जाएगी। इस तरह से लगातार हम लोग सतर्क है और मॉनिटरिंग की जा रही है, और कावड़ की सारी व्यवस्थाओं को अगले 1-2 दिन में जो है अंतिम रूप दिया जाएगा।
बढ़ेंगे आगे। आपने श्रवण कुमार के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, श्रवण कुमार जिसने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर चार धाम यात्रा के लिए निकल पड़ा था, कुछ ऐसे ही देखने को मिला है हरिद्वार में, जहां पर एक बेटा अपनी मां को कंधे पर बैठाकर गंगा स्नान करवाने लाया। देखिए रिपोर्ट। आपने श्रवण कुमार के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, श्रवण कुमार जिसने माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर चार धाम यात्रा के लिए निकल पड़ा था, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है हरिद्वार, जहां एक बेटा अपनी मां को कंधे पर बिठाकर गंगा स्नान करवाने लाया। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले भीम में ऐसी मातृभक्ति जागी कि उसने एक तरफ मां को और दूसरी तरफ गंगा जल कावड़ में रख लिया और हर की पौड़ी से पैदल शामली के लिए कावड़ लेकर वापस लौटा। कभी तेज धूप, कभी झमाझम बारिश के इस मौसम में मां को कावड़ में बिठाकर ले जाते भीम नाम के इस कावड़िए को देखकर लोग हैरान रह गए। भीम का कहना है कि उसकी बुजुर्ग मां सोमवती पैदल चलने में असमर्थ थी और उसे हरिद्वार आने का बड़ा मन था, इसलिए उसने ऐसा किया। हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से केरना जाएंगे जी, मतलब शामली के पास में। बस ये मन में ये थी, हम अपनी मम्मी जी को गंगा जी नहा के लाए हरिद्वार, मतलब अपने कंधे भी बिठा के, मतलब ख्याल कोई दिक्कत का सामना कुछ नहीं करना पड़ता। मन में इच्छा यह, मतलब भगवान हमारी, मतलब वो के लिए आत्मा सफल करे, मतलब मेरे दिल की चपूरी करी थी। क्या है मन में, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना कुछ करना नहीं पड़ रहा जी, कुछ नहीं करना पड़ रहा जी। कैसा लग रहा है, ऐसी गर्मी भी हो? बहुत अच्छी लग रहा है जी, भगवान बड़ा बाबा शक्ति दे रहा है, हिम्मत नहीं हरा रहा जी, हिम्मत दे रहा है बड़ा बाबा। मन में कैसे आया कि एक तरफ गंगा जल और एक तरफ माता जी को लेकर? ये मेरे मन की इच्छा थी, मैं अपनी मम्मी का रुके पीठ पे घुमा कर लाऊं, मैं अपने कंधों पर लाऊं। गंगा स्नान क्या कराया माता जी? गंगा स्नान करवाया। मुझे नुहा कर लाए, मैं इनको आशीर्वाद दूंगी, भगवान इनको खूब दे, ये मुझे नुहा कर लाए। हाँ, ये मेरी कर रहे। बढ़ेंगे आगे। उधर लखनऊ में बारिश के बाद यहां पर कई इलाकों में जलभराव की समस्या प्रकट हो गई है। अब रात भर बारिश ने लखनऊ नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में जगह जगह पर जलभराव की व्यवस्था जो समस्या है वो यहां पर कई इलाकों में रात भर से बिजली गुल है और उसकी शिकायतें जो है वो आ रही है। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों संग सेल्फी लेना, 3 युवकों को पड़ा भारी, युवकों पर बिगड़े हाथी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उदयपुर में अवैध टेम्पो स्टैंड का संचालन, टेम्पो चालकों ने से बदमाश कर रहे वसूली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर, ओवरब्रिज के नीचे गिरने से एक सिपाही की हुई मौत। लखीमपुर खीरी में पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज के दौरान पति की मौत। सहारनपुर में रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद से की मुलाकात, तजाना हाल, मामले में सीबीआई से की जांच की मांग। बांदा में पति पत्नी ने खाए जहर, परिजनों ने जिला अस्पताल में करवाया भर्ती, विब्रू थाने के हरदौली का है मामला। बदायूं में मिले 2 महिलाओं के अजल शव, हल्के इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दोही में करंट लगने से मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, मामले में पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार।
इटावा के प्रिंस कॉलोनी में दरअसल विजिलेंस और विद्युत विभाग की छापेमारी, इलाके में मचा हड़कंप, एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई। बांदा में तेज रफ्तार जेसीबी का फटा टायर, हादसे में 18 सवारी घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला युवक का अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। तवंगों ने घर में घुसकर की युवती के साथ छेड़खानी, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़, पुलिस ने 4 लोगों पर किया मामला दर्ज। बदायूं में बुधवार के विवाद में हुई मारपीट, विवाद में छत से फेंका युवक का गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा में खंडर में मिला वृद्ध का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस कर रही मामले की जांच। सहारनपुर में मां शाकंभरी मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब, मानसून में श्रद्धालुओं से मंदिर में न आने की अपील, बावजूद इसके मंदिर में लग रहा भक्तों का तांता। मैनपुरी बिजली डिफॉल्ट सही करते समय करंट के चपेट में आया बिजली कर्मचारी, हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। टावा में मनाया जा रहा वन महोत्सव, कचहरी से बैंड बाजा और रथ के साथ निकाली गई पौधों के बारात, डीएम समेत कई अधिकारी हुए बारात में शामिल। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी अगले फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।